हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सेलेंट इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग हमेशा खुश कैसे रहें, यानी हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो खुशी है ना, ये आपका एक फीलिंग्स है। तो हम लोग हमेशा खुश कैसे रहें, इसी के बारे में आज हम लोग पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए उस वीडियो को लास्ट तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हमारे चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोज और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज डालते रहे। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो खुशी है ना, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है और ये कोई चीज़ नहीं है जिसको हम लोग लॉक में घुसा के रखें और हम लोग खुश रहें, या रूम में लगा दें और उस रूम में घुसेंगे तो हम लोग खुश रहेंगे। तो ऐसा चीज़ नहीं है, हम लोग का फीलिंग्स यानी अपने अंदर का फीलिंग्स है। हम लोगों के पास खुश होने के लिए अनलिमिटेड रीज़न है। एक बात बताइए, मैं अभी जिंदा हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ये खुशी की बात है कि नहीं है? खुशी की बात है। बहुत सारे लोग दुनिया में तीन वक्त का खाना वो लोग को नसीब नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं और आपको तीन वक्त का खाना मिल रहा, तो ये खुशी की बात है कि नहीं है? बहुत सारे लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, आपके पास है, तो ज़रा सोचिए ये खुशी की बात है कि नहीं है? आपके सांसें चल रहे हैं, बॉडी का जो पार्ट्स है सही तरह से काम कर, क्या ये खुशी की बात नहीं है? तो दोस्तों, हम लोग हमेशा खुश रह सकते हैं, शर्त बस इतना है कि हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड रहना होगा। देखिए दोस्तों, आपके पास जो भी है आप उसके लिए थैंकफुल रहे, ग्रैटिट्यूड रहे कि भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि मुझे सोचने का काबिलियत दी, यानी मैं सोच सकता हूँ। ज़रा सोचिए, ये खुशी की बात नहीं है? मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकता हूँ, काफ़ी खुशी की बात है। मैं अभी अलाइव हूँ, बाकी मेरे जो क्लोज है वो लोग भी अलाइव है, तो ये खुशी की बात नहीं है? तो दोस्तों, खुशी होने के लिए यानी खुश होने के लिए अनलिमिटेड रीज़न है। मेरा हेल्थ अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, ये खुशी की बात नहीं है? मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, ज़रा सोचिए, ये खुशी की बात नहीं है? तो दोस्तों, खुश होने के लिए अनलिमिटेड रीज़न है, और खुशी को पोस्टपोन मत कीजिए। देखिए, एक छोटा सा बच्चा छोटे छोटे चीज़ों के लिए कितना खुश होता है। एक्चुअली आदमी जैसे ही बड़ा हो जा रहा ना, अभी उसके लाइफ से हैप्पीनेस खत्म हो जा रहा, जबकि हम लोग का मेन मोटिव क्या है? खुश रहना। तो आप वही चीज़ कीजिए ना जिसमें आपको खुशी मिलता है। आप वैसे काम ही क्यों करते हैं जिसमें आपको खुशी नहीं मिलता है? जैसे मुझे बच्चों को पढ़ाने में मज़ा आता है, खुशी मिलती है, मुझे मोटिवेट करने में अच्छा लगता है, उसमें से जो है वीडियोज़ बनाने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है, खुशी मिलती है। सवाल ये नहीं कि उससे लाइक्स आए डिसलाइक, इससे कोई मतलब नहीं, मुझे अच्छा लगता है, एक अंदर से कमाल का फीलिंग्स होता है, यानी डोपामिन रिलीज होता है। तो दोस्तों, जब भी हम लोग कोई अच्छा काम करते तो हमारे माइंड से दिमाग से डोपामिन रिलीज होता है और हम लोग बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रहिए और हमेशा खुश रहिए। देखिए, जब हम लोग फोटो क्लिक करते हैं हम लोग एक सेकंड के लिए स्माइल करते हैं, तो जब हम लोग एक सेकंड के लिए स्माइल करते हैं तो हम लोग का फोटो कितना अच्छा आता है। तो ज़रा सोचिए, अगर हम लोग लाइफ टाइम हंसेंगे तो हम लोग को लाइफ कितना अच्छा होगा। हमेशा खुश रहिए, आप खुद खुश रहिए और दूसरों को भी खुश करिए। अगर आप खुश रहेंगे ना और स्माइल पास कर देंगे ना, तो सामने वाला ऑटोमेटिक हंस जाए, क्योंकि वो गुस्सा नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुश हैं तो सामने वाला भी खुश हो जाएगा आपको देख करके। तो दोस्तों, खुशी को पोस्टपोन मत कीजिए और हमेशा खुश रहिए। Always be happy, चाहे आपके साथ जो भी हो रहा है, लोगों को दिखाना थोड़ी है, ठीक है, प्रॉब्लम सबके साथ आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, सबके साथ प्रॉब्लम आता है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम आता है, सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग बस रोते रहे। एक बात बताए, दुनिया में ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसमें उसके बारे में चिंता करेंगे, रोएंगे, तो क्या वो खत्म हो जाए? नहीं ना। तो आप खुश रहिए ना, स्माइल, जस्ट कीप ऑन स्माइलिंग, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव फन इन योर लाइफ। अगर आपको छोटी सी वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते कि आपको लगातार ऐसे वीडियोज मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लोग हमारे चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोज और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज डालते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।